cytoplasmic organelle is endoplasmic reticulum first the contents definition of endoplasmic reticulum location structure of endoplasmic reticulum and the types of endoplasmic reticulum so first the definition endoplasmic reticulum is the complex network of tubules which may be sheet like which may be sac like and they extend from nuclear membrane to the प्लाजा मेमब्रेन आर द सेल मेम्ब्रेन एंड दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म हाँ जी स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें एंडोप्लाजमिक रेटिकलम जितने भी नेट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइलीस है उसमें सबसे जो एक्सटेंडेड या एक्सटेंसिव ऑर्गेनाइली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम एक रिच रिच नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है और ये ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं एक तरफ ये नेटवर्क न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी तरफ ये नेटवर्क जो है वो अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है तो इस तरह से ये इस तरह से पूरी तो पूरे सेल के अंदर एक एक्सटेंडेड एक एक जो है वो नेटवर्क की फॉर्म में जो मौजूद है ये तो लोकेशन लोकेशन जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक पूरे सेल के अंदर तकरीबन ये कहता है इन्हें फैला हुआ है जो वो एक एक्सटेंडेड जो है वो नेटवर्क जो है मौजूद है यहाँ अगर आप इसे डायग्रामेटिकली देखें इट्स वेरी क्लियर आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लूश जो है ये सारे के सारे हमारे पास क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस से यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अगर आप गौर करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और उसके बाद यही पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैलते 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 ये आखिर सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचाती हैं और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें ये आप देख रहे हैं कुछ जो है ये एक इरेगुलर नेटवर्क है सेक लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं इस तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जबकि ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है तो यही अभी हमने डिस्कस किया है कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती हैं जिनकी शीट लाइक स्ट्रक्चर है और कुछ ऐसी हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि सैकलाइक -like है या इरेगुलर वो टाइप जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बनता है इसमें अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो डिफरेंट शीथ लाइक या जो कह सकते हैं सैकलाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली डिफरेंट जो है वो एक ट्यूबुलर नेटवर्क के मिलने से बना है और ये शीट लाइक ट्यूब्यूल्स या साइकिलइक ट्यूब्यूल्स -like को ओवरऑल हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं तो हम यानी बेसिकली एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी शीट्स के साथ या बहुत सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के मिलने का एक कम्बिनेशन है ये और हर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे एक सिस्टरनिम कहेंगे तो ये ओवरऑल सारी क्या है सिस्टर्नी है जिनके मिलने से जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है अब सिस्टबनी का जो इन, इन साइड है जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं ठीक है तो ल्यूमिन का जो इन्वायरमेंट है वो साइटोप्लाज्म के एन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है इसीलिए बहुत सारी आज्ञा पढ़ेंगे कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो साइटोप्लाज्म में नहीं हो सकते वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूम में होते हैं तो ल्यूमिन से बराध है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर उसको हम ल्यूमिन का नाम देंगे टाइप्स तो ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम की दो बेसिक टाइप्स हैं स्मूथ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी नेम इज इंडिकेटिंग रफ रफ का मतलब यह है कि अपीयरेंस में जो है वो एक रफ सी अपीयरेंस देता है तो बेसिकली एंडोप्लाजिक रेटिकुलम के ऊपर की जो रफ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स की सर्फिस के ऊपर अटैच होते हैं तो राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से ये सर्फिस एक रफ नजर आती है तो रफ एंडोप्लाज रेटिकुलम कौन से हैं विच आर हैविंग राइबोसोम्स ऑन देअर सर्फिस जिसके सर्फेस के ऊपर राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के जो बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर रेड रेड डॉट्स बने हुए हैं ये रेड डॉट्स बेसिकली क्या है राइबोसोम्स है जो एंडोप्लाज रेटिकलम के ऊपर अटैच होते हैं अबतः कुछ राइबोसोम्स कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता है जिसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता दैट इज कॉल द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम इंटरेस्टिंगली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं